बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर्स में से एक संजय लीला भंसाली। जी हाँ, इनका नाम कौन नहीं जानता। इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से एक पद्मावत इन्होंने ही डायरेक्ट किया। जी हाँ दोस्तों, संजय लीला भंसाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी बात कह दी जिसे जानकर आप शॉक रह जाएंगे। संजय लीला भंसाली से जब पूछा गया कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, तो जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने किसका नाम लिया। जी हाँ दोस्तों, ना उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया, ना ही उन्होंने किसी अन्य एक्टर का, ना अक्षय कुमार का नाम लिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उनके फेवरेट एक्टर कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है। सलमान खान से के साथ ही उन्होंने मूवीज में डेब्यू किया था और सबसे बड़ी हिट हम दिल दे चुके सनम की भी उन्होंने सलमान खान के साथ की थी। उनकी फेवरेट जोड़ी भी ऐश्वर्या राय और सलमान खान की है। तो दोस्तों, ये जानकर सभी लोग शॉक रह गए कि सलमान खान, जिनके साथ उन्होंने काफ़ी समय से कोई मूवी नहीं की है, ना ही उन्हें काफ़ी समय से किसी मूवी में कास्ट किया है, तो वो उनके फेवरेट एक्टर कैसे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था, थोड़ी दिनों पहले ये खबरें आ रही थी कि सलमान खान और संजय लीला भंसाली जो हैं जल्द ही एक साथ नज़र आने वाले हैं इंशाल्लाह फिल्म में। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई और कल ही खबर आई है कि टाइगर श्रॉफ सलमान खान को उस मूवी के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए खबर ये है कि सलमान खान जो है वो है संजय लीला भंसाली के फेवरेट एक्टर। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यहीं मिलती है सबसे पहले।